और इसका जो है बहुत ही अहम टॉपिक है हमारे जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे लास्ट चार क्वेश्चन थे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके लिए मैं लहरा वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें इस जो लेक्चर में है वो हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 11 12 और 13 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हैं और ये आ भी चुका है लॉन्ग क्वेश्चन और जो नेक्स्ट करने वाला हूँ वो भी आ चुके हैं प्रीवियस अगर आप पॉस्ट पेपर देखेंगे तो लिहाजा बहुत आसान क्वेश्चन है तो हम सॉल्व करते हैं देखें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने पहले लिख लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड को या प्रूफ करना है राइट के बराबर या राइट को प्रूफ करना है लेफ्ट के बराबर तो मैं ना इसको मोस्टली राइट साइड से करता हूँ वो इस वजह से बेटा करता हूँ वैसे तो इस साइड से भी किया जा सकता है इस साइड से भी बहुत आसान है लेकिन इस साइड से ज़्यादा आसान है इस वजह से कि ये देखें 35 के नज़दीक जो हमारे पास गिवन है टेबल है उसके अंदर किसकी वैल्यू गिवन है 45 तो 45 में से कितने माइनस कर 36 बन जाता है 37 बन जाता है 8 तो लिहाजा चले हम राइट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी राइट हैंड साइड तो बेटा वो है हमारे पास 10 37 इसको हम जो है ना प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बहुत आसान है सबसे पहले इसको दो के में डिवाइड कर लेते हैं जी 45 अब जाहिर है माइनस करूंगा कुछ ना कुछ तो 37 बनना चाहिए तो 8 ठीक है 8 डिग्री मैंने माइनस कर लिया 45 में से वो बार 37 की जगह ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब भी 37 ही है ठीक हो गया तो बेटा अब हमने क्या करना है कि टेन का फॉर्मूला लगा दें टेन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और कॉस का भी लगा सकते हैं लेकिन टेन का फॉर्मूला ज़्यादा आसान है उसकी रीज़न ये है कि हमने जाना साइन कॉस की तरह तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस हम लिखते हैं साइन 45 माइनस 8 डिग्री ओवर साइन ओवर कॉस होता है तो कॉस 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री इसी तरह बेटा हमने कर लिया है तो नेक्स्ट बहुत आसान है साइन का फॉर्मूला खोल लेते हैं नीचे कॉस का तो ये मैंने काफ़ी डिटेल से आपको आगे बताए थे आगे मैंने साइड पे लिखे हुए थे तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे तो साइन का बेटा मैं फिर एक दफ़ा लिख देता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इसी तरह बेटा साइन जो दरमियान में होता है वो ही यहाँ पर आ जाता है ठीक है कॉस में उल्टा होता है साइन कॉस अगर अल्फा माइनस बीटा किया हुआ है तो क्या आ जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस होता है दरमियान में प्लस आ जाता है साइन अल्फा और साइन बीटा ठीक है इसी तरह बेटा यहाँ पर भी हमने फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है तो ये समझ लें कि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा तो मैं अल्फा फार्मूला लगाता हूँ साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा यानी 45 माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस 8 आ गया इसी तरह माइनस होगा तो माइनस कॉस अल्फा कॉस 45 माइनस साइन इसी तरह कॉस अल्फा हमने कर लिया तो आगे क्या होता है साइन बीटा हमारे पास 8 है साइन 8 ठीक हो गया इसी तरह बेटा नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा यानी कॉस 45 डिग्री और कॉस 8 आ गया इसी तरीके से बेटा नीचे क्या आ जाएगा तो बेटा इसी तरह के साइन अल्फा साइन बीटा साइन 45 और साइन इसी तरह हमारे पास बेटा आ गया 8 ठीक हो गया अब बस हमने वैल्यू लगानी है तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ चुका है और यहाँ पर साइन 45 होता है 1/2 कैलकुलेट से भी आप कर सकते हैं कॉस 8 हमने लिख दिया माइनस इसी तरह बेटा यहाँ पर हमने साइन तरह मिस्टेक कर दिया माइनस होगा तो साइन प्लस का आएगा अच्छा ऊपर आ जाएगा कॉस 45 का भी हमारे पास है 1/2 वो भी लगा लिया और साइन 8 आ गया इसी तरह बेटा हमारे पास नीचे भी कॉस 45 1/2 होता है और कॉस 8 ऐसे ही आ गया इसी तरह आगे प्लस है साइन 45 क्या होता है 1/2 तो वो लिख लिया तो साइन 8 बेटा ऐसे ही आ गया ऊपर हमारे पास जो कॉमन है ऐसे नहीं काट देना अगर आप ऐसे काटेंगे तो गलत होता है तो ऊपर हमारे पास जो कॉमन है वो आता है 2/√2 तो यहाँ पर आ जाएगा जी कॉस 8 माइनस कॉस 8 ये 1/√2 बाहर चला गया साइन 8 डिग्री भी ऊपर लगा दें और नीचे इसी तरह बेटा 1/2 ही नीचे भी कॉमन है तो नीचे आ जाएगा जी कॉस 8 माइनस नहीं नीचे प्लस है प्लस साइन 8 ठीक हो गया बेटा तो ये हमारे पास 1/2 कैंसिल हो गया तो देखें कॉस 8 माइनस साइन 8 कॉस 8 माइनस साइन 8 कॉस 8 प्लस
साइनेट। तो लिहाजा ये बराबर आ चुकी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह बेटा हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड के बाद बराबर। तो अब इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं जो बकिया दो क्वेश्चन है वो भी इसी लेक्चर के अंदर वाइंड अप करते हैं, बहुत आसान है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा तो बेटा 12 क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, कहता है एक ट्राइंगल है उसके जो तीन एंगल है वो है एक कर, अगर अल्फा बीटा और गैमा हो तो आपने ये जो चीज है शो करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये देखें एक ट्राइंगल है, एक अल्फा है उसका भाई बीटा और इसका तीसरा जो भाई है वो है गैमा, ठीक हो गया। तो ये सबको इकट्ठा किया जाए तो इसका सम होता है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि इसका हर एंगल कितने का होता है 60 60 और 60। तो जब इसको जमा किया जाता है तो 180। तो यही इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है, इसी इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रख के हमने क्वेश्चन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, 12 और 13 और पीछे 11 वाला जो किया वो भी। अच्छा वी नो डैट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, वी नो डैट हम जानते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गैमा है उसका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम दूसरे को एक उस तरफ ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। बेटा अब एक चीज जरा गौर करें कि जो हमारा आंसर है जो जो हमने लेके आना है शो करवाना है वो एंगल के नीचे 2 भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं सारे एंगल को 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे भी अल्फा ओवर 2, यहाँ पे भी बीटा ओवर 2, यहाँ पर 180 ओवर 2, यहाँ पे भी गैमा ओवर 2। तो ये आ जाएगा जी अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2 और यहाँ पे ये कटिंग करके 90 आ जाएगा और यहाँ पे गैमा ओवर 2। तो बेटा आपको पता है कि मैंने ये चीज बड़ी डिटेल से, अब दोनों तरफ हमने टैन लेना है ताकि हम फार्मूला लगाएं, फार्मूला की तरफ जाएं, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमने पहले बड़ी डिटेल से किया था फिर एक दफा बता देता हूँ, उनमें से एमसीक्यूज आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हमने पढ़ा था बेटा को रेशो 0 90 डिग्री आ जाता है 180 डिग्री और 270 डिग्री और यहाँ पे आ जाता था 360 डिग्री। मैंने कहा बेटा अगर इस एंगल के ऊपर आ जाए तो कोरेशो में चेंज करते हैं, तो 90 या 270 आ जाए तो उसको कोरेशो में चेंज किया जाता है, साइन की कॉस, सेकंड की कोसेकंड और टैन की कॉट कोरेशो होती है। इसी तरह बेटा यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला लगाना है अल्फा प्लस बीटा वाला, वही टैन अल्फा ओवर 2 है तो अल्फा ओवर 2, टैन अल्फा ओवर 2 प्लस टैन बीटा ओवर 2, जल्द फॉर्मूला लगा देते 1 माइनस टैन अल्फा ओवर 2 और टैन बीटा ओवर 2 आ गया। तो इससे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 90 है तो टेन की को रेशो क्या होती है कॉट, तो साथ लिख देंगे जी गैमा ओवर 2। अब आपने देखना कि क्या प्लस लगेगा साथ ही माइनस, तो बेटा 90 में से माइनस करना है तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो जो पहले में आएगा तो पॉजिटिव सारे होते हैं तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये मैंने बड़ी डिटेल से 10 पॉइंट, जो बच्चे मुझे रेगुलर देख रहे हैं मेरी वीडियोस को तो बेटा उनको पता होगा कि जिस तरह मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ और मैंने एक एक क्वेश्चन ही बड़ी डिटेल से पूरा से समझाई है और पेपर में इसके एमसीक्यू लाजमी आता है उसको अच्छे तरीके से आप देख लें, इंट्रो है 10.1 का, मैंने डिटेल से बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। अच्छा तो बेटा आगे जो है नेक्स्ट हम जाते हैं कॉर्ड को जब चेंज किया जाए तो उसकी जगह हम 1 और 10 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्दर मैं करता हूँ यहाँ पे बेटा 10 अल्फा ओवर 2 प्लस 10 बीटा ओवर 2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा ओवर 2 और 10 बीटा ओवर 2। इसी तरह बेटा इधर आ जाएगा जी कॉट का उल्ट क्या होता है 1 ओवर 10, इसकी जगह हम लिख सकते हैं लिख लें जी 10 यहाँ पे गैमा ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई के पता ही आपको क्या होता है, इसको इसके साथ ज़रब करते हैं इसको इसके साथ, ठीक है। तो जब हमने इसको इसके साथ किया तो हमारे पास आ रहा है क्या 10 अल्फा ओवर 2 10 गैमा ओवर 2, फिर इसके साथ किया तो 10 बीटा ओवर 2, ठीक हो गया, और 10 गैमा ओवर 2 और 1 को जब इसके साथ किया तो दोबारा यही चीज़ आ जाती है 10 अल्फा ओवर 2 सॉरी हाँ अल्फा ओवर 2 और 10 बीटा ओवर 2। और बेटा बहुत आसान है, इसको भी इस तरफ ले आए 10 अल्फा ओवर 2 10 गैमा ओवर 2, फिर आ जाएगा जी 10 बीटा ओवर 2 और 10 गैमा ओवर 2, ये माइनस इधर आके आ जाएगा प्लस 10 अल्फा ओवर 2 और 10 बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1।
तो अब हमने देखना है बेटा, जो हमारा जो शो हमने करवाना ही है साइट, वहां पे आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, कार्ड 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 की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए टेन अल्फा प्लस ओवर टू, टेन बीटा ओवर टू, टेन गैमा टू, वह सब पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एक लाइन के टेन अल्फा ओवर टू, टेन बीटा ओवर टू, टेन गैमा ओवर टू। यहां पे लिख लेते हैं पहले डिवाइड टेन अल्फा ओवर टू, टेन बीटा ओवर टू, टेन गैमा टू बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, सब साइड के साथ हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवा देना। तो डिवाइड करवाता हूं मैं यहां पर, सबके नीचे लिखते जाएंगे ये तीनों के तीनों। लिख देता हूं जी टेन अल्फा ओवर टू, टेन गैमा ओवर टू, और नीचे बेटा हमारा क्या आ जाएगा जी, टेन अल्फा ओवर टू, टेन बीटा ओवर टू और टेन गैमा ओवर टू। इसी तरह बेटा आगे प्लस है तो प्लस लगाया, ऊपर हमारा है टेन बीटा ओवर टू, टेन गैमा ओवर टू, और नीचे फिर तीनों के तीनों टेन अल्फा ओवर टू, टेन बीटा ओवर टू और टेन गैमा ओवर टू। इसी तरीके से बेटा थर्ड के नीचे भी हमने ऐसे ही करना है, टेन अल्फा ओवर टू लिखा है और टेन बीटा ओवर टू लिखा है, तो नीचे मैं लिख दूंगा जी टेन अल्फा ओवर टू, टेन बीटा ओवर टू और टेन गैमा ओवर टू। तो इसी तरह बेटा वन के नीचे भी हम लिख लेंगे जी टेन अल्फा ओवर टू, ये शायद आपको नजर ना आता हो लेकिन मैं लिख देता हूँ, आपको पता है टेन बीटा ओवर टू और आ जाएगा टेन गैमा ओवर टू। ये मैं तीनों लिख दिया इसके नीचे भी। तो बेटा आगे जो कट होते हैं हम कट कर लेते हैं, कट क्या कौन सा होता है, अल्फा अल्फा के साथ, गैमा गैमा के साथ। तो वन ओवर टेन बीटा, वन ओवर टेन बीटा ओवर टू बच गया यहां पर। यहां पे कौन सा कट होता है जी, बीटा और गैमा, तो यहां पर बच गया वन ओवर टेन अल्फा ओवर टू, वन ओवर टेन अल्फा ओवर टू, और यहां पे बेटा देखें कौन सा कट होता है, अल्फा अल्फा के साथ, बीटा बीटा के साथ। तो यहां पर बेटा आ जाता है जी वन ओवर टेन गैमा ओवर टू, और एंड पे कोई भी नहीं कट होता, वो सारे के सारे ऐसे आ जाएंगे टेन अल्फा ओवर टू। ठीक है, लहदा लहदा करके लिखे जाए, ऐसे लिख ले एक ही चीज है बीटा ओवर टू, सबको उल्टा लेते हैं अभी टेन गैमा ओवर टू। तो आपको बताइए किसके रेसिप्रोकल है जी, कॉट में चेंज हो जाएंगे, कॉट बीटा ओवर टू आ जाएगा बेटा प्लस कॉट अल्फा ओवर टू आ जाएगा प्लस कॉट गैमा ओवर टू आ जाएगा, और ये तीनों के तीनों चेंज होंगे कॉट में, कॉट अल्फा ओवर टू, कॉट बीटा ओवर टू और कॉट गैमा ओवर टू। ठीक हो गया, तो बेटा हमने तीनों लिख दिए हैं, तो यही हमने प्रूफ करना था, बस आपने तरतीब लगा देनी है। लगा देता हूं मैं वो भी, टेन अल्फा ओवर टू प्लस कॉट, सॉरी कॉट बीटा ओवर टू, कॉट इसके बाद आ गया जी गैमा ओवर टू, और आगे तीनों के तीनों ऐसे कॉट अल्फा ओवर टू, कॉट बीटा ओवर टू और कॉट गैमा ओवर टू। बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा तो बेटा ये भी बिल्कुल जैसे कि हमने 12 क्वेश्चन किया था उसमें तो हमें ये भी हिंट नहीं थी दी गई, लेकिन यहाँ पे ये हिंट दी गया, कहता है अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा टू 180 डिग्री के बराबर है, शो करवाना है हमने ये, तो ये उससे भी ज्यादा आसान हो गया, ये उससे बहुत ज्यादा आसान है। तो लहजा हम करते हैं उसी तरह, वी नो डैट तो हमने लिखे कि वो उसने दिया हुआ है, या लिख भी लें तो कोई इश्यू नहीं है, वी नो डैट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है 180 डिग्री के बराबर है, या तो आप ये वी नो डैट भी लिख सकते हैं और गिवन डैट भी लिख सकते हैं, जो गिवन डैट है गिवन लिख लें यहां पर क्योंकि उसने दिया है। तो बेटा हमें दो यहां पर रहने देना है ताकि हम फॉर्मूला लगाएं, और एक को हमने उस तरफ ले जाना है। ठीक है, तो उसी तरह दोनों तरफ हमने यहां पे डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है एंगल पे, क्योंकि यहां पर एंगल पे बेटा डिवाइड नहीं हुआ, गौर से सुन ले ये पॉइंट, यहां पर एंगल पे डिवाइड नहीं मैंने लिखा हुआ, तो लिहाजा बेटा यहां पर नहीं लिखा हुआ प्रूफ जो हमने करना है यहां पर, नहीं तो आपने डिवाइड नहीं करवाना। ठीक है, ऐसे लिख देंगे दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये भी हमारा स्टेप देखें, यहां पर नहीं करना पड़ा टेन 180 डिग्री माइनस गैमा। तो बेटा अब फॉर्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पर सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा
और नीचे आ गया 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा और टेन बीटा, ठीक है। इसी तरह बेटा यहाँ पर हमने कोरेशन में चेंज करना नहीं करना, आगे आपने देखा होगा जो वीडियो देख ही रहे हैं, तो ये भी आप कोरेशन में चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ये डंडा बनने पर कोरेशन चेंज की जाती है, यहाँ पर आर 180 तो नहीं करना, तो ये लिहाजा टेन गैमा ही आ जाएगा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि ये देखे माइनस होगा सेकंड क्वार्टर में, सेकंड में टेन नहीं होता तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव टेन होता है पहले और तीसरे में, तो इसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। अच्छा तो बेटा वन को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई, चाहे इसको पहले कर लें, जिसको मर्जी पहले कर लें, कोई इश्यू नहीं है। अगर इसको करेंगे तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और माइनस टेन को वन से करेंगे तो माइनस टेन गैमा आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और टेन अल्फा टेन बीटा टेन गैमा, ये इकट्ठा लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, गैमा आ गया, तो ये माइनस है, इसको इस तरफ ले आओ, तो टेन अल्फा इधर आ गया, टेन बीटा आ गया, और ये प्लस टेन गैमा आ गया, तो इधर आ गया जी टेन अल्फा टेन बीटा इकट्ठा और टेन गैमा। तो बेटा हमने जो चीज प्रूफ करनी है वो कार्ड में है, तो आपको पता है उसी तरह डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं वही थ्री डिवाइड अल्फा टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गैमा डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड, सबके नीचे बोथ साइड यानी कि सबके नीचे जो हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवा देना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेन अल्फा लिखा हुआ है तो नीचे बेटा तीनों के तीनों आ जाएंगे, टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गैमा। इसी तरीके से बेटा आगे लिखा हुआ है टेन बीटा, तो इसके नीचे सारे के सारे आ जाएंगे, टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गैमा। इस तरीके से बेटा आगे देखे टेन गैमा लिखा हुआ, इसके नीचे सारे के सारे आ जाएंगे, टेन गैमा के नीचे आ गए जी टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गैमा, आगे बेटा लिखे हुए हैं तीनों के तीनों, तो तीनों के तीनों के नीचे वो ही आ जाएंगे, टेन अल्फा टेन बीटा और टेन क्या आ जाता है गैमा, इसके नीचे डिवाइड करवा लेंगे तीनों के तीनों, टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गैमा, ठीक है। ये कट गए, अभी यहाँ पे देख लो और भी कटते हैं, तो मैं यहाँ पे काटता हूँ, इस मार्क से काट लें, जो जो बच गया उसको हमने उल्ट करके लिख लेना है, वन ओवर टेन बीटा टेन गैमा दोनों को कॉट लिख लेंगे, कॉट बीटा कॉट गैमा, क्योंकि आगे बताया हुआ है इस वजह से मैं डायरेक्ट लिखा, वन ओवर टेन अल्फा टेन बीटा तो कॉट यहां पर आ जाएगा जी, कॉट अल्फा तो कॉट गैमा प्लस यहां पर गैमा कट है तो अल्फा बीटा, कॉट अल्फा और कॉट बीटा, तो ये सारा कट गया तो वन आ गया। अब बस तरतीब लगानी है, टेन अल्फा कॉट अल्फा कॉट बीटा वो यहां पर लिखा हुआ है तो इसको पहले लिख लो जी, कॉट अल्फा कॉट बीटा आ गया, फिर उसने लिखा है जी कॉट बीटा कॉट गैमा, तो ये है तो इसको यहां पे लिख लो, कॉट बीटा तो कॉट गैमा, तो तीसरे नंबर पर कॉट गैमा और कॉट अल्फा, तो ये हमारा लिखा हुआ है अल्फा कॉट गैमा को लिख लो, गैमा लिख लो, कॉट गैमा कॉट अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू वन, ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकता है। इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के, यही हमने शो करवाना था, हमने करवा दिया। बेटा इस लेक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत डिटेल से एक एक क्वेश्चन तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो इसी तरह बेटा मैंने जिस तरह आपको पीछे हमने देखा होगा कि एक एक क्वेश्चन मैंने किया है हर पार्ट का, इसी तरह बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रह गए हैं चैप्टर्स वो भी एक क्वेश्चन रहता है, तो इसके अलावा जो हमारी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो इस नेक्स्ट जितने भी चैप्टर हैं एक एक क्वेश्चन किया जाएगा। लिहाजा आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा हासिल कर सकें और मेरे आने वाली वीडियो आप इजीली वॉच कर सकें। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।